हमें दोबारा मौका मिले भाई से मिलने के। और ये भाई ZX ट्रेनर, इसको तो पहचान ही रहे यार, खतरनाक। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आज है संडे और आज एक हमारे भैया जी हैं जो कावासाकी निंजा एक बाइक ले रहे हैं, तो अभी हम लोग वहाँ चलेंगे उस शोरूम में जो फोर्ड हॉस्पिटल के पास है पटना में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और अभी जैसे हम भी यहाँ पे है कुम्हार के पास, देख सकते हैं ये कुम्हार का सीन। और ये रहा यामा का शोरूम है। और इधर गाइस, इधर राजेंद्र नगर चले जाएंगे और इधर अगम कुआं चले जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग कावासाकी निंजा का शोरूम में। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से, डायरेक्ट मिलते हैं आपको शोरूम में, चलिए। और ये अमित ब्रो, कैसा लग रहा GoPro लगा के? तो अभी 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 हम लोग चल रहे हैं ये कावासाकी निंजा का शोरूम में, ठीक है? तो हाँ, वहाँ पे हम लोग अभी अपने यामा के बाइक से चलेंगे। और ये रहा यामा का शोरूम और ये रहा यामा का बाइक। तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। चलिए फिर गाइस, निकलते हैं अमित के साथ स्पॉट हॉस्पिटल निंजा का शोरूम में। गाइस, पटना में जो मेट्रो बंद है ना, मेट्रो को लेके चलते हैं। रोड इतना डिस्टर्ब है ना पटना में कि बता नहीं सकते। जैसे कि देख सकते गाइस, ये मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक है? और ये देखिए, ये मेट्रो का काम चल रहा है, मतलब रोड इतना डिस्टर्ब है ना कि बता नहीं सकते। और जब तक लगता है मुझे कि मेट्रो नहीं बनेगा तब तक रोड सही होने वाला है नहीं। तो अब कुछ ही देर में हम लोग कावासाकी निंजा का शोरूम पहुँच जाएंगे गाइस, ठीक है? ये वो रास्ता है, देख लीजिए क्या स्थिति है भाई। पुल के कारण स्थिति देखिए क्या क्या हो चुका है भाई, जाम वगैरह लगा है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ से शोरूम, तो बहुत नज़दीक है। तो चलिए फिर यहाँ से चलते हैं कावासाकी के शोरूम में, चलिए गाइस। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं कावासाकी शोरूम में। और देख सकते हैं हमारे पीछे कावासाकी का शोरूम है यहाँ पे। और देख सकते हैं, और अभी इसके अंदर हम लोग चलने वाले हैं। जैसे कि एक सुपर बाइक आ रहा है गाइस, देख लीजिए आकाश भैया का सुपर बाइक चले आए यहाँ पे। आकाश भैया चले आए क्या? आकाश भैया, ये गाइस देखो, आकाश भैया यहाँ पे चले आए सुपर बाइक लेके। और ये भाई ZX ट्रेनर, इसको तो पहचान ही रहे यार, खतरनाक। आकाश भैया भी अपना गाड़ियाँ लगाएंगे। और ये रहा निंजा का शोरूम, ठीक है? और ये रहे हमारे आकाश भैया जी। तो आकाश भैया ZX ट्रेनर लेके चले आए, A2 बाइकर, जैसे कि उस दिन भी दिखा रहे थे। आकाश भैया सुबह राइड करके आए हैं ZX ट्रेनर से, पूरा मस्ती से आए हैं, है ना आकाश भैया? ये गाइस आकाश भैया बैठ, ठीक है? तो गाइस, ये है शोरूम कावासाकी जो आज एक डिलीवर होने वाला है, एक भैया लेने वाले हैं, तो चले आए। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से अब शोरूम के अंदर, ठीक है? चलिए गाइस। हे गाइस, हम पहुँच चुके हैं कावासाकी शोरूम में, देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे ये काउंटर हो चुके हैं। और आज जो बाइक की डिलीवर है वो ये देखिए गाइस, यहाँ पे टन टना टन ये बाइक यहाँ पे गाइस, पूरा दम गाड़ी पूरा दम तैयार है एकदम डिलीवर होने के लिए। और यहाँ काफ़ी सारे बाइक लगे हुए हैं कावासाकी के। और ये रहा कावासाकी का शोरूम गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, देख सकते हैं ZX 900 सब यहाँ पे गाड़ी बुकेट, जैसे कि देख सकते हैं सालराज। तो गाइस वो गाड़ी का डिलीवर है जो वहाँ पे वो जो। और ये यहाँ पे सारे बाइक गाइस, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये भैया जी अभिषेक जी, भैया जी यहीं पे हैं, देख सकते हैं भैया जी फोन रख रहे हैं। तो भाई मतलब बहुत मेहनत करते हैं ऐसा इनको लगता है, और सच में ये बहुत मेहनत करते हैं। हम कहेंगे कि बस एक बार जाके भाई का वीडियो देखिए, और जो भी आपको फील हो रहा है कमेंट में लिखिए ताकि भाई इम्प्रूव करें। और बातचीत, हमें दोबारा मौका मिले भाई से मिलने के लिए, जरूर। भैया मेरे छोटे वाले भैया, ये भी हमारे बहुत लेट आते हैं, लेकिन चलिए आ तो गया है। लेकिन खास करके TRG कहाँ रह गए? ये इधर रहे TRG। ओ यार जी, ब्लॉग इतना लेट कहे करते हैं आने में, इतना लेट कहे करते हैं आने में, थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी सॉरी। पर आपसे लेट नहीं होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए एकदम जरूर। ये वो सामने गाड़ी है यहाँ पे, देख सकते हैं, ठीक है? ये गाड़ी अभी यहाँ पे आ जाएगा, और काफी यहाँ पे देख सकते हैं भैया जी का गाड़ी है। और यहाँ पे होने वाला है, टाइम हो चुका है यहाँ पे। ओहो, ठीक है, गो।
जिसको भी बाइक का कोई भी पार्ट एक्सेसरीज कहीं से कुछ भी लेना हो सीधा पहुंच जाना कहां अभिषेक भैया यहाँ जवाब दे दीजिए थोड़ा। का सर्विस कब से शुरू कर रहे हैं? भाड़ा पे देने का? यस यस, डिटेल्स कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। अभिषेक भैया आप कब लेकर आए? ये हमारी तो गाड़ी है। ऐसे ही लोग हैं, बंटवारा करवा रहे हैं। यस, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, और आज ही जो छोटे छोटे बच्चे जो कह रहे हैं कि वहाँ वो लेके ही शुरू करूंगा, वो आएगी तभी शुरू करूंगा, तो इस बात को समझिए कि जो भी चीज है आपके पास, आपके पास रेडमी का फोन है, आईफोन 11 है, आईफोन 15 प्रो मैक्स है, आपके पास एटलस है, आपके पास हीरो है, या फिर आपके पास ऑनर नोकिया 3300। अरे भैया यार भाई मेरा इस बात का जीता जाता उदाहरण है, एग्जांपल है कि सुविधा कभी भी आपके सक्सेस के आड़े नहीं आ सकती है ना। हाँ वही है। तो मैंने शुरू किया था वीडियोस वगैरह बनाना, तो मेरे पास उस टाइम फोन नहीं था, तो एक मतलब फोन था, एंड्रॉइड फोन था, दोस्त के आईफोन से वीडियो बनाते थे। नाम भाई बताइए उस दोस्त का। तो ये सीन है, अब वहाँ से शुरू किए, 3 साल लगा, मेहनत करते रहे, कभी रुके नहीं, डटे नहीं, हटे नहीं। बहुत लोग बोला रही है सब क्या कर रहे हो, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन आज यहाँ आए और इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे और भी गाड़ी आती रहेगी। पिछले 1 साल में 2 दूसरी बाइक आती है, साल लगी हुई है। अरे बढ़िया, थंबनेल लेना आई।